फिल्म एवं टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए मिली खुली छूट, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया नई SOP। कोरोना लॉकडाउन के कारण लगभग बंद चल रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज फिल्म एवं टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए नई SOP जारी करते हुए विश्वास जताया कि इससे बंद चल रहे फिल्म उद्योग को नया जोश मिलेगा, जहां लाखों कलाकारों और कामगारों को रोजगार मिलता है। बता दें कि यह SOP कोरोना से बचाव के बीच शूटिंग में छूट देने की एक नई गाइडलाइंस है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तैयार की है। इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। आइए सुनाते हैं क्या है नई SOP। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक SOP जाहिर किया है। इस SOP की विशेषता यह है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता यह है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन लगभग बंद पड़ा था। कुछ राज्यों ने इजाज़त देने के बाद थोड़े रूप में शुरू हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं, इसलिए आज हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किया है। मुझे लगता है पूरे देश भर में सभी राज्य भी इसको स्वीकार करके और भी उनको कोई कंडीशन उसमें डालना है तो डाल सकते हैं और इससे निश्चित अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।